ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमें हमारा रियासत का दर्जा छीनने के बाद, स्पेशल स्टेटस 370-35 छीनने के बाद और हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि जम्मू कश्मीर को नीलाम किया जा रहा है, बेचा जा रहा है और जम्मू कश्मीर निजाम से जिस प्रकार से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो फैसले चुनी हुई सरकारें लेती हैं या एलजी साहब को लेने चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को लेने चाहिए, वो एक मजाक जम्मू नगर निगम जो भाजपा की जम्मू नगर निगम है वो जम्मू में एक मजाक उन्होंने बना दिया है। ऐसे ऐसे कानून नाफिज किए जा रहे हैं जिससे हमारा भाईचारा खत्म होता है और जिस तरीके से लाउड स्पीकर की राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी टैक्सेस लगाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं, जिस तरीके से बिजली के किराए बढ़ाए जा रहे हैं, आज हमारा ये कहना है कि ये सारी की सारी जो बातें हैं ये जम्मू नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के अधीन नहीं है। ये लोड स्पीकर की राजनीति बंद कीजिए और अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू के लोगों के ऊपर लगा तो हम इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जम्मू नगर निगम के विरोध में बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू कर देंगे। नंबर दो, एलजी मनोज सिन्हा साहब ये फैसले जो होते हैं ये चुनी हुई सरकारें लेती हैं या एलजी के इख्तियार में है। अगर जम्मू नगर निगम कोई फैसला या प्रस्ताव पारित करती है वो रियासत में जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कश्मीर की जम्मू कश्मीर की नगर निगम उसको पारित नहीं करती है तो एक यूपी में यूनियन टेरिटरी में दो दो कानून चलाए जाएंगे। आखिर हमारे 370-35 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला क्या? टोल टैक्सेस, टोल प्लाजा, स्मार्ट मीटर, हमारे पावर प्रोजेक्ट आपने नीलाम कर दिए, हमें भारी भारी बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और साथ में हमारा ये आरोप है कि जब से जम्मू नगर निगम के अधीन पीएचई आया है, पीडीडी आया है, जम्मू शहर में बिजली की कटौतियां बढ़ी है, किराए बढ़े हैं, जम्मू के ऊपर 18% बढ़ाया हुआ किराया लगाया जा रहा है, कश्मीर के ऊपर 12% लगाया जा रहा है, 1,00,000 जम्मू में मीटर लग चुके हैं लेकिन कश्मीर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी तक कोई मीटर नहीं लगने दिए हैं। सो इसकी, और हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप हमारा जो सलाल और रूड़ी हाइडल प्रोजेक्ट है ये हमको वापिस कीजिए। नंबर दो, ये जो सलाल और रूड़ी हाइडल की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी तक कोई मीटर नहीं लगने दिए हैं। सो इसकी, और हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप हमारा जो सलाल और रूड़ी हाइडल प्रोजेक्ट है ये हमको वापिस कीजिए। नंबर दो, ये जो सलाल और रूड़ी हाइडल प्रोजेक्ट इतनी बिजली पैदा करते हैं कि अगर इसकी हम रायती भी लें, ये जम्मू कश्मीर में पैदा होती है बिजली, सलाल और रूड़ी हाइडल प्रोजेक्ट जमीने हमारी, पहाड़ हमारे, पानी हमारा, उसके बावजूद भी आप सारी की सारी बिजली बाहर की रियासतों को सप्लाई कर रहे हैं, इसे बंद कीजिए। पहले जम्मू कश्मीर में हमारी बिजली हमको दीजिए और उसके बाद रॉयल्टी भी हम चाहते हैं कि जो बिजली हमारी रियासत से बाहर भेजी जा रही है उसकी रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त में बिजली और पानी दे सके। क्या ये आर्टिकल 370 को हटाने का यही हमको फायदा है? क्या हमारी रियासत को आप बेचते चले जा रहे हैं, नीलाम करते चले जा रहे हैं, रियल स्टेट को बेच दिया बिना लीज, बिना डोमिसाइल, हमारा आइडेंटिटी कल्चर इतिहास को बदल रहे हैं? इसलिए हमारी प्रधानमंत्री जी से यह भी मांग है कि आप हमारे रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस करें, चुनावों से पहले रियासत वापस करें, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 वापस करें जो जम्मू कश्मीर मिशन स्टेटहुड का रोड मैप है। ONN is providing latest education in its state of the art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ONN ka ek matra uddeshya hai yuvaon ko antarrashtriya star par beauty education dena. एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज्यादा है, जबकि ONN बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है।
In Orion, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Orion is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehndi courses so close to the students' home, that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Orion produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective fields. So, what are you waiting for? Join Orion Institute of Beauty and Wellness. NIST. Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hairdressing and Nail Extensions, now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multidimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST, 48D First Floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmi.